नमस्कार, डीएसडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि नाचा का क्या मतलब होता है। महाराष्ट्र में तमाशा यह एक लोक नाट्य है। इसमें लावणी की जाती है। इस लावणी में एक नृत्यांगना नृत्य करती है। इस नृत्य में एक पुरुष औरत की तरह हाव भाव करता है और महिलाओं की तरह बात करता है, उन्हीं के जैसा नृत्य करता है, साथ ही इसमें कॉमेडी करता है। ट्रांसजेंडर के जैसे अभिनय करने वाले पुरुष कलाकार को नाचा कहते हैं। ज्यादातर नाचा यह पात्र मराठी फिल्मों की लावणी में दिखता है। नाचा यह एक कलाकार है। आज की कहानी इसी नाचा का किरदार निभाने वाले गणपत पाटिल की है, जिसने अपनी अदाकारी से सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। कलाकार कलाकार होता है। अपने माध्यम से, अपनी अदाकारी से किसी भी किरदार को जीवित करना, यही कलाकार का धर्म होता है। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में जानेंगे जिसने अपनी कला के लिए दुनिया के ताने सुने। अभिनय क्षेत्र से इनकी निजी जिंदगी आहत हुई। इनके कला के कारण इन अभिनेता की बीवी बच्चे को भी काफी दुख झेलना पड़ा। हम बात करेंगे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार, प्रसिद्ध अभिनेता गणपत पाटिल के बारे में। इन्होंने सिनेमा में नाचा मतलब तमाशा में नाचने वाली महिलाओं के साथ नाचने वाले तृतीय पंथी व्यक्ति का किरदार निभाया और यही अभिनय इनकी किरदार की एक अलग पहचान बन गई। असल में गणपत पाटिल ने सिर्फ नाचा का ही किरदार नहीं निभाया था, उन्होंने सहकलाकार, नायक, खलनायक के रूप में भी काम किया, लेकिन दर्शकों ने उन्हें अन्य सभी भूमिकाओं में अस्वीकार कर दिया। आज की कहानी उसी डांस के बारे में है, उसी नृत्य के बारे में है। महाराष्ट्र का एक जिला है कोल्हापुर। यह कलाकारों की गंगोत्री माना जाता है। इसी इलाके में रहने वाले थे नायकू पाटिल। इनकी खुद की एक दुकान थी। नायकू पाटिल का परिवार था। इस परिवार में 7 बच्चे थे। इनमें से चौथे नंबर पे जो बच्चा था उनका नाम था गणपत पाटिल। पिता का अच्छा खासा इनकम था। घर में सब खुशहाली थी, लेकिन इस परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई। धीरे धीरे पिता नायकू पाटिल शराब पीने लग गए और यह पीने की लत वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। नायकू पाटिल की मौत हो गई। नायकू पाटिल को अपने ही दोस्त ने धोखा दे दिया और नायकू पाटिल का परिवार टूट गया। बच्चे छोटे थे और पत्नी बेसहारा हो गई। लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब ये विधवा महिला और 7 बच्चे एक 3 कमरे के घर में रहने लगे। अब विधवा माँ को चिंता थी कि इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं। इसी दौरान विधवा महिला अन्य महिलाओं के साथ मिलकर मजदूरी करने लगी। गणपत का बड़ा भाई बुक बाइंडिंग का काम करता था। दोनों को अपने काम से 12-16 आने पैसे मिलते थे। उसी से परिवार चल रहा था। इस समय के आसपास गणपत 5 या 7 वर्ष के थे। वह कोल्हापुर के एक नगर निगम स्कूल में पढ़ने जाते थे। 5वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की और 6ठी कक्षा में वे फेल हो गए। फिर गणपत पाटिल ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल अब खत्म हो चुका था। उस समय कोल्हापुर में रामायण का नुक्कड़ नाटक प्रयोग किया जाता था। इसी समय गणपत पाटिल ने छोटे रामायण की नकल करना शुरू किया। 13 या 14 साल की उम्र से ही उनके चेहरे पर मेकअप आ गया। गणपत पाटिल दिखने में काफी सुंदर थे। इस वजह से छोटी सी रामायण में उन्होंने सीता का किरदार निभाया था, लेकिन इस काम के लिए उन्हें पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कला का व्यवसाय और कलाकारों का बाजार तब तक तय नहीं हुआ था। इस कारण गणपत पाटिल को एक नारियल और 1 कप गुड़ की चाय, वो भी बिना दूध की, यह मानधन के रूप में मिलता रहा और यही उनकी पहली कमाई थी। इस प्रकार भूखे पेट से, कला प्रेम से एक कलाकार का जन्म हो रहा था। इसी बीच नाटक लिखने वाले शिरोली के बोले मास्टर से उनका परिचय हुआ। उन्होंने दोन वेनेंची कॉलेज कुमारी नाम का नाटक लिखा। इस नाटक में गणपत पाटिल को एक कॉलेज की कुमारी लड़की का किरदार दिया। गणपत पाटिल ने इस भूमिका को अपने किरदार से जिंदा कर दिया। पहले तो लोगों को लगा कि यह सच में एक लड़की है, लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ कि यह एक लड़का है तो उनकी कला की काफी सराहना की गई।
वहीं उनके इस कला को लोगों ने मजाक भी बनाया। लेकिन गणपत पाटिल ने लोगों के मजाक को भी अपनाया और अपना काम जारी रखा। यह कलाकारी तो चल रही थी, लेकिन कला से पेट तो नहीं भरता, उसके लिए खाना चाहिए और खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके अलावा माँ और अन्य भाइयों की मदद करनी थी, इसके लिए गणपत पाटिल नौकरी की तलाश में थे। उन्हें पहली नौकरी मिली होटल न्यू प्रभात में। वहाँ उनका काम था बर्तन धोना और वेटर का काम करना। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत इंसान से सब कुछ कराती है। गणपत पाटिल ने जो काम मिला वह पूरी मेहनत और लगन से किया। कभी कभी यह छोटा लड़का हाथ में केटली लेकर चाय देने निकलता था। इस प्रकार गणपत पाटिल ने कुछ समय तक काम किया। एक बार एक कप उनके हाथ से टूट गया। होटल मालक ने उन्हें जोर से थप्पड़ जड़ दिया और इस बात से गुस्साए गणपत पाटिल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद शिवाजी रोड पर बिंदु चौक के पास लक्ष्मण राव निगड़े का रेस्टोरेंट था। गणपत पाटिल ने इसी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने यह नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद वहाँ एक बेकरी थी। गणपत पाटिल यहाँ से ब्रेड और पाव खरीदते और घर घर जाकर बेचते थे। अगले 5 या 6 साल तक उन्होंने बेकरी में काम कर बेकरी का सामान घर घर जाकर बेचा। इसके बाद गणपत पाटिल ने फूलों की मालाएं बनाकर बेचने लगे। यह काम भी कई महीनों सालों तक चला। इस दौरान उन्हें छोटे मोटे किरदार के लिए काम मिलता रहा। इसके बाद उन्होंने राज मिस्त्री के अधीन बिगरी यानी के मजदूर के रूप में काम किया। इस तरह पेट भरने के लिए जो काम किया जा सकता है वह सब किया और वे करते गए। जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने अपना मन पसंद काम करना भी शुरू रखा, जो था अभिनय कलाकारी। साल 1940 के आसपास की बात है। आजादी के लड़ाई के लिए कोल्हापुर में यह स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा। गणपत पाटिल ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देशभक्त बाबूराव महाडिक के नेतृत्व में दत्ता चौहान, चंदर लाड, गणपत पाटिल, पार्टे नामक 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया गया था। यह दल अंग्रेजों पर आक्रमण करता था, उनकी रेकी कर जानकारी प्राप्त करता था, गुप्त संदेश का आदान प्रदान करता था। गणपत पाटिल ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस प्रकार वह एक देशभक्त कलाकार थे। फिर गणपत पाटिल की मुलाकात मास्टर विनायक से हुई। इन्होंने गणपत पाटिल को कई फिल्मों में काम दिलाया। गणपत पाटिल नाटक में काम कर रहे थे। जयप्रकाश दानवे का आयका हो आयका नाम का एक नाटक था। इसमें गणपत पाटिल को पहली बार तृतीय पंथी डांसर का रोल मिला, यानी कि मराठी में इसे नाचा का रोल कहा जाता था। गणपत पाटिल ने इस भूमिका को बड़े शिद्दत से और बखूबी निभाया। लोगों को इनकी कलाकारी इतनी पसंद आने लगी कि लोग इनका काम देखने के लिए थिएटर जाने लगे। इसके बाद उन्हें एक और नाटक में काम मिला जिसका नाम था जाली मधी पिकली करवंद। गणपत पाटिल की भूमिका लोकप्रिय हो रही थी। इसी समय कृष्णा पाटिल की फिल्म में एक नर्तक की भूमिका ऑफर की। इस फिल्म के बाद नाचा का रोल और गणपत पाटिल का समीकरण फिक्स हो गया। दरअसल गणपत पाटिल एक कलाकार थे। उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। उन्होंने उन सभी भूमिकाओं के साथ न्याय दिया, लेकिन सभी लोगों ने उन्हें याद रखा उनका तृतीय पंथी डांसर का किरदार, यानी कि नर्तकी का किरदार। इसी बीच गणपत पाटिल को राजा परांजपे की बलिदान और राम गबाले की वंदे मातरम में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद भालाजी पेंडरकर ने उनकी फिल्म मीठा भाकर में उन्हें विलन का रोल ऑफर किया। गणपत पाटिल ने अन्य भूमिकाएं करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह तमाशा फिल्मों का स्वर्ण युग था। चाहे कोई बड़ी डांसर हो या कोई फिल्म स्टार, नर्तकी के रूप में गणपत पाटिल की भूमिका तय होती थी। लोगों की फरमाइश होती थी कि गाने में गणपत पाटिल जरूर हो। गणपत पाटिल की ऐसे रोल के लिए कई डिमांड थी। आता गब आया उनका प्रसिद्ध डायलॉग है। गणपत पाटिल ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनकी आखिरी फिल्म नामदार मुख्यमंत्री गणप्या गावड़े है। यह थी उनकी फिल्मी कहानी, लेकिन असल जिंदगी में कुछ और ही था। गणपत पाटिल शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, उनका परिवार था, लेकिन लोग उन्हें वास्तव में तृतीय पंथीय नर्तकी समझने लगे।
जब उनकी बेटियां स्कूल जाने लगी तो उनकी आलोचना की गई। लोग उन्हें देखकर हंसते थे और उन्हें उकसाते थे। गणपत पाटिल को ये सब सहन नहीं हुआ। फिल्म में उन्हें पैसा और शोहरत मिल रही थी, लेकिन असल जिंदगी में लोग उनके परिवार को गलत नजर से देखने लगे। फिल्मों में मिलने वाले पैसों से कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक बार गणपत पाटिल महागुरु भालजी पेंडारकर के पास गए और बहुत रोने लगे। गणपत पाटिल ने अपना सारा दुख भालजी पेंडारकर को बताया। इसके बाद भालजी ने खास तौर पर गणपत पाटिल के लिए फिल्म सख्या साजना बनाई। इस फिल्म में बहुत महान लोग थे, निर्देशक गोविंद कुलकर्णी, कथा पटकथा संवाद भालजी पेंडारकर, संगीत राम कदम, शूटिंग कोल्हापुर के जयप्रभा स्टूडियो में हुई। अभिनेता गणपत पाटिल, उषा चौहान, राजशेखर, भालचंद्र कुलकर्णी, जयमाला काले, इन सभी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। लेकिन गणपत पाटिल का दुर्भाग्य रहा, फिल्म असफल रही और उनका हीरो बनने का सपना टूट गया और फिर से उन्हें तृतीय पंथी नर्तकी यानी के नाचा ही बनना पड़ा। गणपत पाटिल ने अपने एक इंटरव्यू में अपना दुख जाहिर किया। वह कहते कहते एक बच्चे की तरह रो पड़े, लेकिन कलाकार का दुख भला कौन समझे। धीरे धीरे गणपत पाटिल की बेटियां बड़ी हो रही थी, उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लड़की देखने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया। लेकिन लोग गणपत पाटिल से सवाल पूछते थे कि आपको बेटी कैसे हो सकती है। लोग उनकी पत्नी के चरित्र पर भी लांछन लगाते थे, ऐसे आदमी की बेटी को हम घर की बहू कैसे बनाएं? हम समाज में रहते हैं, हमारे पास नाम है, प्रतिष्ठा है, हम ताली बजाकर पैसे लेने वालों से कैसे रिश्ता बनाएं? इस प्रकार लोग गणपत पाटिल और उनके परिवार का अपमान करते थे, इसी कारण बेटी की शादी नहीं हो रही थी। यही स्थिति उनके बेटे के बारे में भी थी, उसे भी कोई लड़की नहीं दे रहा था। इनके साथ समाज में बहुत बुरा व्यवहार किया। गणपत पाटिल के अभिनय की सजा उनकी पत्नी और बेटे बेटियों को मिली और उनके परिवार को मिली। लोग उन्हें देखकर मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह नाचा थे। नाचा यानी कौन है नाचा और कौन नहीं है नाचा। हर इंसान यह एक नाचा है। हर एक की जिंदगी दूसरों के इशारों पर ही तो नाचती है। कलाकार को निर्देशक नचाता है, निर्देशक को निर्माता नचाता है, निर्माता को जनता नचाती है, जनता को नेता नचाता है, नेता को हाईकमांड नचाता है, हाईकमांड को फिर जनता नचाती है, एक कामगार को बॉस नचाता है, पति को बीवी नचाती है, कभी कुदरत नचाती है, कभी नसीब नचाता है, कभी नियति नचाती है। यह जन्म लेने वाले हर कोई नाचा है और हम सभी में से एक है गणपत पाटिल। तारीख है 23 मार्च 2008। गणपत पाटिल की उम्र 88 साल हो गई थी। वह काफी बीमार हो गए और गणपत पाटिल ने 88 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली और वो दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद नटरंग नाम की एक फिल्म प्रदर्शित हुई। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, लोगों की मानसिकता बदल गई थी। इस समय लोगों को नाचा यानी नर्तकी की भूमिका समझ में आ रही थी। तब लोगों को समझा कि गणपत पाटिल का दुख क्या था और क्या दर्द उन्होंने झेला। लेकिन तब वो असली नटरंग गणपत पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वह अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। लेकिन वो आज भी जिंदा है, उनकी अदाकारी, उनका अभिनय, उनकी यादों के साथ। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें ज़रूर बताएं और कृपया हमें बताएं कि आप गणपत पाटिल की इस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।